किसी राज्य के विकास का पैमाना इस बात से तय होता है कि राज्य कितने रोजगार पैदा करता है। मोदी सरकार ने देश में रोजगार पैदा करने के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए जो पहल की शुरुआत की, उसे एक कदम आगे ले जाने का काम कर रही हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। अपनी जापान यात्रा में उन्होंने राज्य में जापानी निवेशकों को लुभाने का कोई मौका नहीं गंवाया और इसका असर भविष्य में देखा जा सकेगा। आज स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताएंगे सीएम की जापान यात्रा के बारे में। निवेशकों को राजस्थान की ओर खींचने के लिए राजस्थान की यात्रा पर गई सीएम राजे जापान से क्या लेकर लौटी है, ये चर्चा का विषय है। लेकिन जो लाई है उसका असर आगे देखने को मिलेगा। निखरेगा राजस्थान, संवरेगा राजस्थान, उद्योगों को लगेंगे पंख, मरुभूमि का परिवेश बदलने वाला है, भेष बदलने वाला है, क्योंकि तकनीकी तौर पर सबसे सक्षम देश जापान से राजे ने विकास को आगे ले जाने के लिए करार किया है। दुनिया भर में अपने समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाने वाला राज्य अब आधुनिकता की दौड़ में दौड़ेगा और दुनिया को अपनी ओर खींचेगा। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 5 दिवसीय आधिकारिक जापान यात्रा के लिए निकली थी तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी, उम्मीद इस बात की कि राजे जापान से सूबे के विकास की नई परिभाषा लेकर आएंगी, उम्मीद इस बात की कि मरुधरा विकास का नया मकाम हासिल करेगी। राजस्थान की तैयारियों को लेकर और प्रदेश में एक निवेश के सपने को लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब जापान की यात्रा के लिए रवाना हुई तो न केवल उनके मन में बल्कि प्रदेश के हर नागरिक के मन में एक सपना था ज्यादा से ज्यादा निवेश का। और इस उम्मीद को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जापान की यात्रा से पहले पूरी तैयारियां की। राजस्थान की हर खूबी को, हर खासियत को, हर विशेषता को अपने साथ गए उच्च अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीम के साथ इस तरह से ढाला, एक प्रेजेंटेशन के रूप में डाला, एक लघु फिल्मों के रूप में डाला, ताकि जापान में वहाँ की बिजनेस फैमिली के लोगों से, वहाँ के बिजनेस से जुड़े लोगों को यह सब दिखाया जा सके। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पूरी कोशिश की कि राजस्थान से जुड़े हर निवेश के फायदे को वो दर्शा सके और इसे जानकर जापान के लोग राजस्थान में निवेश के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर आए। विकास को रफ्तार देने के लिए थी ये यात्रा। राजे की जापान यात्रा विकास के लिए बेहद जरूरी थी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी गया था। इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य ये था कि राजे राज में राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। जापान यात्रा के दौरान राजे ने जापानी उद्यमियों के साथ कई बैठकों और रोड शो कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और ये कहा जा सकता है कि ये यात्रा सफल है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजे लाई क्या और इसका असर सूबे पर क्या पड़ेगा। वसुंधरा जी के नेतृत्व में निवेश को लाना, उद्योगों को लगाना और दीन दुखियों की सेवा करना प्रथम लक्ष्य है और इसके लिए जगह जगह जो रोड शो हो रहे हैं, जैसे मैडम अभी जापान जाके आई है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से उनका जो मीटिंग हुआ है उससे एक माहौल बना है और कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी भी राज्य में तभी आता है जब माहौल बनता है और उद्योगपति माहौल को देखते ही किसी भी राज्य में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक बहुत बढ़िया माहौल बन रहा है पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी, और मेरा ऐसा मानना है कि पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़े जाएंगे और देश में सर्वाधिक जो इन्वेस्टमेंट होगा वो राजस्थान में होगा। रिसर्जेंट राजस्थान समिट की हो रही है तैयारी। इसी साल नवंबर में होना है रिसर्जेंट राजस्थान। 19 और 20 नवंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट को देखते हुए ये यात्रा और भी अहम हो जाती है। राजे केंद्र में मोदी सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि वो किस तरह से राज्य में विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकें
और अपनी जापान यात्रा के दौरान राजे ने ये साबित किया है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो रही हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रिसर्जेंट राजस्थान समिट की तैयारियों को लेकर 6 अप्रैल को उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान के दौरे पर गई थीं। अपनी इस यात्रा को उन्होंने जापानी उद्यमियों के साथ राजस्थान में ऑटोमोटिव और सिरेमिक क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने पर चर्चा भी की। पहले भी हुई है जापानी निवेश को आकर्षित करने की कोशिश। 2006 में जापानी एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेट्रो द्वारा एक जोन स्थापित किया गया था राजस्थान में, जिसके लिए रीको ने 2007 में 1167 एकड़ भूमि आवंटित की थी। इस क्षेत्र में 473 एकड़ जमीन जापान के 45 कंपनियों को आवंटित की गई, जिसमें 37 यूनिटों में उत्पादन शुरू हो गया है। यहां करीब 4200 करोड़ रुपए का निवेश भी हुआ है। इस जोन में जापान की बहुराष्ट्रीय कंपनियां टेक इन एयर कंडीशनिंग, नेशन बैक्स, माइट्रिक्स पॉलीमर, मित्सुई एडवांस पॉलीमर, निप्पन पाइप जैसी कंपनियों ने प्लांट लगाए हैं। इसके अलावा रीको ने घिलोथ में 500 एकड़ जमीन पर दूसरा जापानी जोन बनाने का काम भी शुरू किया है। यहीं पर 750 एकड़ जमीन पर सिरेमिक ग्लास जोन बनाने का काम किया जा रहा है। राजस्थान में सिरेमिक ग्लास उद्योग के लिए काफी तादाद में कच्चा माल मिलता है। जापानी जोन में होगा 10,000 करोड़ का निवेश। राजे की यात्रा के बाद अलवर में जापानी जोन में निवेश की गतिविधियां तेज हो गई हैं। जापानी निवेशक यहां करीब 10,000 करोड़ का निवेश करने वाले हैं। जेट्रो जापानी दल ने घिलोथ औद्योगिक क्षेत्र का दौरा भी किया है और सुविधाओं को लेकर रीको अधिकारियों से चर्चा भी की है। इस दल में जापानी दूतावास के मुख्य सलाहकार शान डाई कुकू के नेतृत्व में मौका मुआयना किया और उम्मीद ये है कि 4 और जापानी जोन राजस्थान में विकसित किए जाएंगे, तो राजे की कोशिशें रंग लाने लगी हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो राजस्थान चमकदार विकास के नए आयामों को छुएगा। मन वसुंधरा जी तो लगातार इसी विजन से काम करती हुई, पिछली बार भी ये कार्य किया। अब जब जापान गई है तो जापान के प्रधानमंत्री से उद्योगपतियों से सबसे मिली है और नवम्बर में उनको जब राजस्थान इन्वाइट किया तो मैं समझता हूँ राजस्थान का वो जापान का बहुत बड़ा निवेश हिंदुस्तान राजस्थान के अंदर होगा, जिससे निश्चित रूप से इंडस्ट्रीज भी बढ़ेगी और सब व्यापार बढ़ेंगे तो रोजगार की एक नई जगह पैदा होगी। जो बेरोजगारी की समस्या है राजस्थान के अंदर, युवाओं को रोजगार का अच्छा अवसर भी उस माध्यम से प्राप्त होगा। जापानी निवेश से बदलेगी सूबे की सूरत, विकास की नई इबारत लिखेगा राजस्थान। जापान से राजे क्या क्या लाईं? मोदी की तरह सीएम वसुंधरा राजे ने भी जापान के क्योटो में जापानी निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। जापान का यह शहर एक आध्यात्मिक शहर है और मोदी ने इस शहर की तर्ज पर अपने संसदीय क्षेत्र बनारस को विकसित करने के लिए करार भी किया है। क्योटो से राजस्थान के विकास को नई ताकत देने के लिए राजे ने बिजनेस सेमिनार में हिस्सा लिया और निवेशकों से वादा किया कि वो निवेश के लिए माकूल माहौल देंगी। जापान में सैकड़ों कंपनियों से राजे ने की डील। राजस्थान में निवेश के लिए उत्साहित हैं निवेशक। अपनी जापान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 150 जापानी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों और क्योटो चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्यों को संबोधित किया। अपने संबोधन में राजे ने ये कोशिश की कि वो निवेशकों का भरोसा जीत सकें। उन्होंने जापान को ये भरोसा दिलाया है कि राजस्थान में निवेश प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर उनकी सरकार गंभीर है। राजे ने अपनी यात्रा में कई कंपनियों का दिल जीता। हिताची केमिकल्स और निबेक जैसी कंपनियों के अधिकारियों ने राजस्थान को निवेश के लिए बेहतरीन स्थान बताते हुए राज्य में निवेशकों के लिए किए गए बदलावों, सुधारों और सरकार की औद्योगिक निवेश नीति की तारीफ भी की। निवेश के लिए बेहतरीन है राजस्थान, निवेशकों को पसंद आई राजे की निवेश नीति। ये सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है
कि भारत में जापानी निवेश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने नीम राणा, अजमेर के बाद गिलोट में जापानी इन्वेस्टमेंट जोन स्थापित करने की घोषणा करके निवेशकों को लुभाने की कामयाब कोशिश की है। गिलोट का इलाका सिरेमिक्स और ESDN उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। रिसर्जेंट राजस्थान समिट में दिखेगा इस यात्रा का असर। रिसर्जेंट राजस्थान समिट में सीएम की यात्रा का असर दिखाई देगा और जिस मकसद से ये यात्रा की गई थी वो मकसद लगभग पूरा हुआ है। सिर्फ क्योटो ही नहीं, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जापान की राजधानी टोक्यो में भी निवेशकों को आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जापानी इंडस्ट्री को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए एक और जापानी इन्वेस्टमेंट जोन बनाने की घोषणा की। राज्य के इस सकारात्मक कदम की तारीफ करनी चाहिए कि वो सूबे को आगे ले जाने के लिए नीम राणा में जापानी इन्वेस्टमेंट जोन की शानदार सफलता के बाद गिलोट में भी इसी तरह का इन्वेस्टमेंट जोन तैयार करने के लिए आगे आई हैं। राज्य ने किया निवेशकों को सहूलियत देने का वादा। अपनी जापान यात्रा के दौरान राज्य ने निवेशकों को दी जा रही सहूलियतों का जिक्र करके निवेशकों को यह बताने की कोशिश की कि सरकार निवेश को लेकर लालायित है और जापानी इन्वेस्टमेंट जोन में 3 सालों के लिए पब्लिक यूटिलिटी स्टेटस दिया है, जिससे इस जोन में मौजूद फैक्ट्रियों की लेबर स्ट्राइक से सुरक्षा की जा सके। इसके अलावा उन्होंने निवेशकों को यह भी बताया कि यूनिफाइड गुड्स और सर्विस टैक्स लागू होने तक 31 मार्च 2016 में जापानी औद्योगिक क्षेत्रों में तैयार की गई चीजों पर केंद्रीय बिक्री कर 2.00% से घटाकर 0.25% कर दिया गया है। जाहिर है ये राज्य का मास्टर स्ट्रोक है। सिरेमिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा निवेश। मौजूदा जापानी जोन में मौजूद हैं 45 कंपनियां। दूसरा जापानी जोन विकसित होने के बाद सिरेमिक उत्पादों के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की तैयार सप्लाई चेन का फायदा मिलेगा और नेचुरल गैस की पाइपलाइन की कनेक्टिविटी होने से भी काफी फायदा होगा। इसके अलावा नए जोन में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर फोकस किया जा रहा है। इस बात का जिक्र भी राजे ने जापान में किया और इसका असर देखने को मिला। हम आपको बता दें कि नीम राणा जापानी जोन में 45 कंपनियां हैं और इन कंपनियों में यहां पर 670 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का निवेश किया गया है। इन कंपनियों में डाइकिन, निस्सिन ब्रेक, माइटेक्स पॉलीमर, निप्पोन पाइप जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। लेकिन अब इस यात्रा के बाद 670 मिलियन अमेरिकी डॉलर छलांग लगाकर काफी ज्यादा हो जाएगा और ये राज्य और राजे दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। कैसी रही शिंजो एवे और वसुंधरा राजे की मुलाकात? एवे से क्या हासिल कर पाई सीएम राजे? अपनी जापान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एवे से भी मुलाकात की। टोक्यो में एवे के कार्यालय में हुई इस शिष्टाचार भेंट में राजे के साथ जापान में भारत के राजदूत और राजस्थान के मुख्य सचिव भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री शिंजो एवे ने सीएम राजे का गर्म जोशी के साथ स्वागत किया और इस मुलाकात में राजे ने निवेश से जुड़े मुद्दों पर एवे से खुलकर बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक राजे ने जब प्रधानमंत्री को राजस्थान में निवेश और व्यापार से संबंधित जानकारी दी और बताया कि राजस्थान में भारत के पहले जापानी औद्योगिक क्षेत्र में 200 से ज्यादा जापानी रहते हैं और काम करते हैं, तो वो काफी खुश हुए। अपनी इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री एवे को राजस्थान की यात्रा करने के लिए भी आमंत्रित किया और रिसर्जेंट राजस्थान में आने का न्योता दिया। इसके अलावा राजे ने एवे से पार्टनरशिप समिट के लिए राजस्थान को पार्टनर स्टेट बनाने का अनुरोध भी किया है और अगर ऐसा होता है तो ये कामयाब कदम होगा।
राजस्थान से जुड़े सारे प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद मुख्यमंत्री ने और उनके साथ गए उच्च अधिकारियों की टीम ने न केवल राजस्थान की खूबियों के बारे में जापान के बिजनेस घरानों को बताया, बल्कि मुख्यमंत्री ने जापान में कई जगहों पर घूमकर जापान की कुछ खास तकनीकों को ध्यान से देखा और उन्होंने ये भी घोषणा की कि जापान के कुछ शहरों की जो विशेषताएं हैं, शहरी प्रबंधन की जो बात है, उन्हें राजस्थान में लागू किया जाएगा। जापान की कुछ खास तकनीकों को, जापान के प्रबंधन को राजस्थान में उतारा जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने न केवल राजस्थान की खूबियां जापान को बताई, बल्कि राजस्थान में बेहतरी के लिए जापान से भी कई चीजों पर ध्यान दिया और उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान लौटकर जापान की कुछ खास तकनीकों को शहरी प्रबंधन में शामिल जरूर करेंगी। भारत और जापान के रिश्तों का दिखा असर। कुछ महीनों पहले हुई मोदी की जापान यात्रा का असर राजे की इस यात्रा में दिखाई दिया और वो गर्मजोशी भी दिखाई दी। दोनों देशों के रिश्तों में आ रही मजबूती का असर भी इस यात्रा में देखने को मिला। इसमें कोई शक नहीं कि जापानी कंपनियों को विदेशों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और संभावना है कि राजस्थान में जापानी निवेश में वृद्धि देखने को मिलेगी। निवेश को बढ़ाने के लिए MOU हुए साइन। अपनी जापान यात्रा के दौरान राजे ने जापान के आर्थिक, व्यापार और उद्योग मंत्री योइची मियाजावा से भी मुलाकात की और निवेश की संभावनाओं को तलाशा। राजे ने जापान और राजस्थान के बीच आर्थिक संबंधों को अगले स्तर तक ले जाने पर जोर दिया और विशेष रूप से निवेश को बढ़ावा देने के लिए परस्पर सहयोग के लिए METI के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया। इसके अलावा जापान की कई कंपनियों के साथ भी राजे ने MOU हस्ताक्षर किए हैं। ह्यूमन रिसोर्स एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में, हिरोहामा समूह के साथ नीमराणा के लिए और अमृता ब्रांडिंग के साथ घिलोट में प्लग एवं प्ले प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए MOU साइन किए गए हैं। राजे ने क्योसेरा कॉरपोरेशन के मुख्यालय का भी दौरा किया और वहां के अधिकारियों से बात की। इसके अलावा उन्होंने सेरेमिक्स, ज्वेल, सौर पैनल निर्माण, इंडस्ट्रियल सेरेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों में निवेश पर चर्चा की और इसको आगे ले जाने का कदम भी बढ़ाया। हैं वहां पर और उसके आधार पर जहां जहां भी हमारे देश के भी और विदेशों के भी लगातार प्रस्ताव आ भी रहे हैं और रिसेप्शन राजस्थान का जो हमारा बड़ा कार्यक्रम होगा उसमें इसको प्रदर्शन को देखने को मिलेगा। चल परियोजनाओं में दिखाई जापान ने रुचि। पानी की किल्लत को दूर करेगी राजे की जापान यात्रा। राजे ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के प्रमुख हिरोशी वाता नावे से मिलकर राज्य की जल परियोजनाओं को आगे ले जाने का रोड मैप तैयार किया है और JBIC ने भी इसमें रुचि दिखाई है। जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाया है कि जापानी कॉरपोरेट्स को राजस्थान में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य के इस कदम से वुमेन्स सैनिटेशन, झील संरक्षण और नहरी क्षेत्रों में जल जमाव के क्षेत्र में जायका राज्य की मदद कर सकता है। इसके अलावा जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण और सिंचाई परियोजनाओं में जापानी भागीदारी भी संभव हो सकती है। राजे की जापान यात्रा से राज्य में उम्मीद की नई किरण का जन्म हुआ है और निशानी के तौर पर वसुंधरा राजे लॉफिंग बुद्धा राजस्थान लेकर आई है। उम्मीद की जा सकती है कि ये यात्रा राजस्थान में जापानी निवेश की नई कहानी लिखेगी। स्पेशल डेस्क, समाचार प्लस।